मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकन गांव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में भीकन गांव के ग्राम सतवाड़ा में प्रचार किया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकन गांव में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में भीकन गांव के ग्राम सतवाड़ा में प्रचार प्रसार किया। भाजपा की पंकजा मुंडे कैलाश विजयवर्गीय हेलीकॉप्टर द्वारा 2 बजे ग्राम सतवाड़ा पहुंचे, जहां दोनों ने मां अम्बे माता के दर्शन के बाद मंच पर पहुंचकर भाजपा के वरिष्ठ नेता के द्वारा पंकजा मुंडे को तीर कमान भेंट किया गया। पंकजा मुंडे ने बंजारा समाज को समाज की भाषा में संबोधित करते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना वोट देने की अपील की। पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं जातिवाद की प्रशंसा नहीं करूंगी और मैं जातिवाद को नहीं मानती। मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, उन्होंने कहा कि कभी जाति को नकारना नहीं चाहिए। वही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 85 पैसे कहे जाते थे, पता नहीं, पर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए किसानों के खाते में डालते हैं, जो आपके खाते में जाते हैं। बीच में कोई दलाल नहीं होता, यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने सभी से अपना वोट प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को देने की अपील की। युवा को मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि शब्दों की दरिद्रता नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेता जिस प्रकार शब्दों की दरिद्रता के माध्यम से अपने चरित्र उजागर कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। और हमेशा हम विरोधी को भी सम्मान करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो परंपरा कांग्रेस ने चालू करी है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। राहुल गांधी को लेकर अभी बोला रहा है, राहुल गांधी को भी 85 पैसे नहीं आते थे, अभी किसानों को पूरा पूरा पैसा मिल रहा है, इसके संबंध में क्या कहना है? देखिए, ये पारदर्शी सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। पारदर्शी सरकार कैसी होती है, सरकार की नीयत कैसी है कि सीधा 1 रुपया वहाँ से भेजा जाता है और यहाँ पर जनधन खाते के माध्यम से हमारी माताओं के खाते में पहुँच जाता है। कोई बीच में दलाल नहीं, कोई बीच में कोई कहने वाला नहीं कि हमें कमीशन दो, नो कमीशन बाजी, नो दलाली, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेष। कल भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मेरी भारतीय टीम के प्रति शुभकामनाएं, पर मैं मन से चाहता था कि ऐसा मैच नहीं, पाकिस्तान को कोई चेतावनी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खरगोन के भीकन गांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। आए हैं पर नंदू भैया के ना रहने की वजह से उपचुनाव आए हैं, मैं उनको आदरांजलि व्यक्त करते हैं। और आपका आग्रह और आपका प्यार, जहां जहां मेरे पिताजी गए वहां वहां मैं जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो छोड़ा अधूरा है उसे पूरा करने की मैंने कसम खाई है, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मुझे यहाँ लेके आया है।